नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं अविनाश शर्मा और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर भारतीय टीम ने फतह हासिल कर ली है पाकिस्तान के ऊपर। 8-0 की जो बढ़त है वो बन गई है, 7-0 था, अब उसे 8-0 कर दिया है टीम इंडिया ने। और क्या शानदार जीत रही है भारतीय टीम के लिहाज से अगर हम बात करें। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है आज पाकिस्तान की टीम और उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ होगा। श्रीलंका के विरुद्ध एक बड़ा मुकाबला जीत करके आ रहे थे, एक 345 रन अगर आप चेज करते हैं तो आपके बल्लेबाजों के ऊपर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है और उन्हीं के ऊपर दारोमदार रहता है कि वो रन्स बनाएंगे भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ। शुरुआत बेहद अच्छी थी पाकिस्तान की, 155 रन 2 विकेट के नुकसान पर, रिजवान और बाबर के बल्ले से रन्स आ रहे थे, एक अच्छी पार्टनरशिप भी बल्लेबाजों ने साझा की थी। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो हमने हमेशा भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों के दौरान देखा है, कोलैप्सेस। जी हाँ, आज फिर से एक बड़ा कोलैप्स हुआ और जहाँ लग रहा था कि शायद 300 रन्स बोर्ड पर पाकिस्तान की टीम लगा सकती है वो नहीं हुआ और महज 191 रनों पर पारी पूरी की पूरी सिमट गई। 43 ओवर का खेल हुआ, 50 ओवर भी पूरी नहीं खेल पाई टीम और इससे पता चलता है कि कितने लूप होल्स हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी में। कमज़ोर कड़ी उनकी गेंदबाजी को कहा जा रहा था इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में, क्योंकि अगर हम बात करें एशिया कप में तो बहुत सारे जो अगर हम कमजोरियों की जब हम बात करते हैं तो शाहीन शाह आफरीदी को अगर शुरुआत में विकेट नहीं मिलते हैं 5 ओवर्स में तो पाकिस्तान की गेंदबाजी थोड़ी पंगू हो जाती है। लेकिन आज बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी थी एक अच्छा टारगेट सेट करने का और वो नहीं हुआ। गेंदबाजी में जब 191-92 रन अगर आप डिफेंड करने आ रहे हैं तो आपके पास कुछ रहता नहीं है। वह भी नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम में जहाँ पे बोला जाता है कि जब आप बैटिंग सेकंड करते हैं तो कंडीशंस आपको फेवर करती हैं। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? आईपीएल का 2023 का फाइनल अगर आप याद करें तो यहीं पर हाई स्कोरिंग मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी गेंद पर रन्स बना करके हराया था गुजरात टाइटंस को, जो डिफेंडिंग चैंपियंस थे। आज कुछ वैसे एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद बल्लेबाजों से की जा रही थी, वो हुआ नहीं। अगर हम भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने एक फिर से एक बड़ी धमाकेदार पारी खेली। विराट कोहली थोड़े से निराश ज़रूर होंगे क्योंकि एक थोड़ा सा लूज शॉट खेल करके उन्होंने अपना विकेट गंवाया। शुभमन गिल ने शुरुआत बहुत अच्छी की, जो अपना पदार्पण डेब्यू अगर कर उन्होंने जो ODI वर्ल्ड कप में किया है बेहद शानदार कवर ड्राइव के साथ किया और क्राउड फेवरेट हैं गुजरात टाइटंस के लिए, IPL में खेलते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी उनके साथ। हालांकि लंबी पारी नहीं खेल पाए लेकिन एक अच्छी सदी शुरुआत भारतीय टीम को बड़े छोटे रनचेज में, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध देखा था कि आप 3 ओवर के अंदर आपके 3 विकेट गिर जाते हैं और मैच आप कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर आ जाते हैं। लेकिन आज शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ये जो जोड़ी थी उसने अच्छी शुरुआत दी, कैपिटलाइज किया रोहित और विराट ने अच्छी साझेदारी की और फिर बचा हुआ जो काम था श्रेयस अय्यर और KL राहुल ने कर दिया भारतीय टीम के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव से, लेकिन आज अगर दिल जुट अगर किसी ने जीता है, वाहवाही लूटी है तो वो भारतीय गेंदबाजों ने, क्योंकि 155 रन के 2 विकेट के बाद एक कोलैप्स को ट्रिगर करना और 191 पर पूरी विपक्षी टीम को धराशायी कर देना, क्रेडिट जाता है जसप्रीत बुमराह को। जिस तरीके से उन्होंने रिजवान को आउट किया वो गेंद शायद इस मैच की नहीं, इस टूर्नामेंट की गेंद बॉल ऑफ द टूर्नामेंट हो सकती है क्योंकि वो पूरी तरीके से डिसीव्ड हुए थे और इसी की वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। शार्दुल ठाकुर को ज़्यादा गेंदबाजी करने का तो मौका नहीं मिला लेकिन जहां भी मिला, जो भी उनको काम दिया गया उन्होंने उसे निभाया। तो ओवरऑल भारतीय टीम के लिए एक काफ़ी मोराल बूस्टिंग जीत है और यहां से कारवा भारतीय टीम का अब बढ़ेगा पुणे, जहां पर बांग्लादेश को खेलना है। और अगर ओवरऑल हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो बांग्लादेश के ऊपर भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती आ रही है और वहाँ हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत या परेशानी भारतीय टीम को पेश आएगी। तो मैच जो जीतने का जो जगरनॉट है भारतीय टीम का, ये शायद जो चेन्नई से शुरू हुआ है, दिल्ली गया, दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद, पुणे, और जब न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के साथ आप धर्मशाला में खेलेंगे तो शायद हम ये बात कर रहे होंगे कि 4-0 से भारतीय टीम आगे है और न्यूजीलैंड को भी परास्त कर सकती है। इस लाइव अपडेट में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।